पूरा ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सबका जॉइंट एफर्ट था, सबके एक्सपर्ट्स राय सब चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, आई थिंक फाइनली सक्सेस मिली और बच्चा सही सलामत निकला। वो यही सक्सेस हम सभी की। इसमें काफ़ी टफ था, चट्टानों को काट काट के हर एक फीट काटने के लिए हमें कम से कम 3-3 घंटा लग जाता था और बहुत डिलीबरेट होकर जाना पड़ा। टनल के टाइम में जो हमने एंटिसिपेट किया था 1 दिन में कर देंगे, उसमें 2-2.5 दिन लग गए और अचानक से चट्टानें आती थी, उसको तोड़ना, निकालना, फिर रिमूव करना। साथ में इस चीज़ का ध्यान देना कि बच्चे को कहीं ड्रिल बिका या वाइब्रेशन का मिट्टी ना गिर जाए, तो बहुत चैलेंजिंग था। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से फ्राइडे को हेडक्वार्टर कोसा में कॉल आया था हमारे कमांडर साहब को, एंड उसके बाद से ही हम लोग सक्रिय हुए थे। रात को करीबन 12:30 बजे हम लोग इधर आए एंड सिचुएशन को देखा, पूरा अपना डिस्कशन हुआ, सब चीज़ें हुई, एंड सब्सिक्वेंटली आर्मी को फॉर्मली कल बुलाया गया। जब चीज़ें थोड़ी सी देखा कि सबका एफर्ट रिक्वायर्ड, थोड़ा और इसमें पुश कराना पड़ेगा, एंड दैट इज़ ऑफ कर्नल पारेख भी आए हेडक्वार्टर कोसा से, एंड हमारी टीम जो आई उसके साथ थोड़ा सा हमने और पुश किया, असिस्ट किया पूरे ऑपरेशन को, एंड दैट इज़ ऑफ वी अचीव द सक्सेस। मेरे को इसके बारे में सैटरडे को पता चला, जबकि मेरे कमांडर ब्रिगेडियर विग्नेश महंती सेना मेडल ने मेरे को इसके लिए डिप्लॉय होने के लिए कहा। इनिशियली हमने सोचा था कि ऑपरेशन शायद आसान होगा क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन आर्मी पहले करती आई है, लेकिन ये ऑपरेशन को देखने के बाद पता चला कि कितना चैलेंजिंग था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि चट्टाने थी और नॉर्मल मिट्टी नहीं थी। इस तरह के ऑपरेशन आर्मी ने किए हैं बिल्कुल, बट इस तरह का जो चैलेंजिंग वर्क था ये नहीं किया था, तो ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी के लिए। साथ ही मैं ये बता देना चाहूँगा कि हमारा जिस तरह से हमारे हायर हेडक्वार्टर्स ने हमारा जिस तरह से साथ दिया इस पूरे ऑपरेशन के लिए, जिस तरह से हमारे पास मैन पावर भेजी और जिस तरह से हमें मोटिवेट करते रहे, स्पेशली द कमांडर कोसा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे कोसा हेडक्वार्टर का। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये एक साझा प्रयास था NDRF, SDRF, इंडियन आर्मी, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का साझा प्रयास था और सबको मैं धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूँगा कि एक बच्चे की आज जान हम बचा सके, और मैं अपने आप को काफ़ी गर्व फील कर रहा हूँ आज। आई एम वेरी प्राउड दैट वी हैव बीन एबल, वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन जिसमें कि हम एक बच्चे की जान बचा पाए।